सो गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। WWE में जब से रॉयल रंबल का कॉन्सेप्ट आया है वहां पे हमें 30 मेंस का रॉयल रंबल देखने को मिलता है। तो गाइज इस साल के 30 मेंस के रॉयल रंबल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम लोग विनर के भी बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल पे पहली बार मीट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब से WWE चार मेजर पेपर व्यू में से एक रॉयल रंबल को अनाउंस करती है तो वहां पे हमें 30 मेंस का रॉयल रंबल काफी सालों से देखने को मिल रहा है। और रॉयल रंबल में हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि 30 एंट्रेंस होते हैं, यानी कि गाइज 30 सुपरस्टार एंट्रेंस लेते हैं। और एंट्रेंस में हमें ये पता चलता है कि हर 90 सेकंड पे एक न्यू सुपरस्टार का हमें एंट्रेंस मालूम पड़ता है, जो कि कोई भी हो सकता है, कोई भी कभी भी अपना कर सकता है। लेकिन अभी से कुछ साल पहले से हमें WWE ये कॉन्सेप्ट दिखा रही है कि पार्टिसिपेंट को ही अनाउंस कर दे रही है कि कौन से पार्टिसिपेंट आने वाले हैं। और गाइस पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो WWE अनाउंस करती है कि बिग ई, करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डैमियन प्रिस्ट, जॉनी नॉक्सविल, केविन ओवेंस, एजे स्टाइल एंड सेमस, वहीं पे कोफी किंगस्टन, सेमी जेन, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मैड कैप मॉस, हैप्पी कॉर्बिन एंड ऑस्टिन थ्योरी जैसे सुपरस्टार इस साल के 30 मेंस के रॉयल रंबल में आने वाले हैं। और भी सुपरस्टार को WWE अनाउंस करती है कि आने वाले हैं। और गाइज इस साल के 30 मेंस के रॉयल रंबल में इन सारे सुपरस्टार का और काफ़ी सारे सुपरस्टार का हमें अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है, जहां पे गाइज कोई भी सुपरस्टार कभी भी एंट्रेंस ले सकता है। और एक सुपरस्टार जब दूसरे सुपरस्टार को ओवर द टॉप से मतलब एलिमिनेट करेगा तो वो उसके बाद रिंग में नहीं जा सकता है। और हर 90 सेकंड पे हमें एक सुपरस्टार का एंट्रेंस देखने को मिलता है, जो कि रॉयल रंबल को काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाता है और काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, जो कि हमेशा मन में लगता है कि अब किसका एंट्रेंस होने वाला है, अब किसका एंट्रेंस होने वाला है। तो गाइस ये भी मैच अनाउंस हो चुका है और कुछ इस पार्टिसिपेंट को WWE ने अनाउंस किया है। तो हम लोग देखते हैं गाइस कि इस साल के रॉयल रंबल को कौन जीतता है। जहां तक कि मुझे लगता है कि रोमन वर्सेस सेथ के मैच में और बॉबी लेसली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में डिपेंड करेगा कि जो भी इस मैच में जो भी दोनों में से कोई एक चैंपियनशिप को लूज करेगा तो उसका चांसेस बढ़ जाएगा कि वो जीतेगा, नहीं तो एजे स्टाइल के भी चांसेस हुए कि वो भी जीत सकते हैं, बिगी के भी है। तो देखते हैं गाइस कि कौन जीतता है। लेकिन जहां तक कि मुझे लग रहा है कि मे बी ब्रॉक लेसनर चाहे रोमन रेंज जीत सकते हैं इस साल के रॉयल रंबल को, तो हमें देखना होगा गाइज। लेकिन गाइज इस साल के 30 मेंस के रॉयल रंबल के लिए WWE ने 20 प्लस पार्टिसिपेंट को अनाउंस कर दिया है, जिसमें गाइज मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। और गाइज रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि NXT के सुपरस्टार का भी हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे कि करंट NXT चैंपियन ब्रॉन बेकर का, पीट डन का, इन लोगों का भी हमें अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स सी गाइज, हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइज इन सारे पार्टिसिपेंट को WWE ने अनाउंस कर दिया है कि हमें इनका 30 मेंस के रॉयल रंबल में अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है या एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है। तो गाइज फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।